हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल हमारा बगीचा पे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बरसात में मॉनसून में इस टाइम पे आप कौन सी ऐसे पौधों की कटिंग लगाएं जिनकी बहुत अच्छे से ग्रो करें। और मेरी कुछ कटिंग्स ऐसी सक्सेसफुल भी हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मॉनसून में आपको कौन कौन सी कटिंग लगानी चाहिए जो ईजिली ग्रो हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि कौन कौन सी कटिंग से आप अपने पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो मेरा प्लांटर है, ये इतना बड़ा प्लांटर है, इसमें मैं क्या किया है, इसमें मैंने सिर्फ कटिंग्स लगा रखी हैं, सिर्फ कटिंग्स लगाई हैं जो मेरी बरसात में कटिंग्स होंगी या नहीं होंगी इस तरीके से। तो देखिए, ये मैंने ना, मैं सदाबहार की कटिंग लेकर आई थी तोड़कर, तो कुछ ऐसी कटिंग्स है जो मेरी चली भी है। हमेशा ऐसा नहीं, कटिंग कभी भी ऐसा नहीं आज हमने लगाई या एक हफ्ते बाद, कम से कम 15-20 दिन वो अपने आप को उस मिट्टी में, क्योंकि अगर हम कोई भी प्लांट रूट से लाते हैं तो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि रूट्स बहुत जल्दी पकड़ बना लेती है मिट्टी में। लेकिन आप कोई स्टेम से कट करके ला रहे हो तो उसको रूट में डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इतना नहीं है कि हमने आज लगाया तो हफ्ते में निकल गया, नहीं, 15-20 दिन किसी भी कटिंग को ग्रो होने में टाइम लगता है। तो मैं अभी 15-20 दिन तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि 8-10 दिन हो गए। लेकिन मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको दिखा सकती हूँ जो मेरे को विजिबल हो रहा है कि ये कटिंग मतलब चल रही है और आगे भी चलेगी, और 10 दिन में ये और अच्छे से अपने आप को ग्रो कर लेगी। तो जब भी हम कोई भी कटिंग लेके आते हैं तो जो पुरानी लीव्स होती हैं वो इस तरीके से अपने आप को क्या करती हैं, शैटर करने लगती है, थोड़ा सा ये गिरने लगती हैं। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ जो मेरी सदाबहार की जो कटिंग है, इस टाइम पर अगर आप लगाओगे तो पक्का चलेगी। मैंने 4 कटिंग लगाई थी, एक येरी इधर, येरी। अब देखिए, इसमें मैं ये मेरी कटिंग देखो चल गई है, ये देखिए इसमें ना ये नई चीज़ें तब तो फॉर्म्ड हो रही थी, अब देखिए इसमें ना नीचे से यहाँ से इस पर नई लीव्स निकल कर आ रही है, और ये इसकी जो लीव्स हैं ये गिरी भी नहीं है। इसका मतलब ये कटिंग मेरी चल गई है। दूसरा, आप कोलियस की कटिंग भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मैंने ये जो मेरा प्लांट है, अभी मैंने इसे पॉट में रिपोर्ट नहीं किया है, इसी की छोटी सी कटिंग यहाँ से तोड़कर इसमें लगा दी थी। तो देखिए, इसकी जो ये नई लीव्स है ये अभी निकल कर आई हैं छोटी सी, और भी मैं छोटी सी आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल साइड से दो छोटी सी लीव्स निकल कर आ रही हैं। इसका मतलब मेरी जो ये कटिंग है, जो इसकी पुरानी लीव्स थी ये शैटर होती हैं, तो ये थोड़ी सी मुरझाएंगी, कुछ टाइम बाद झड़ जाएंगी, लेकिन जो नई लीव्स आ रही हैं ये इनकी जगह ले लेगी, इस तरीके से ग्रो कर जाएगी। ये मैंने ये रेड सिंगोनियम है, ये देखिए इस तरीके से भी मैंने कटिंग से लगाया थी, कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसमें और भी नई लीव्स आ रही हैं, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। कुछ कटिंग्स मैंने अपनी यहाँ पर भी लगा रखी हैं। देखिए, मैं क्रोटन की कटिंग लेकर आई थी, ये अभी कहीं तक इसको भी हो गया है 4-5 दिन, लेकिन अभी इसकी लीव्स क्या है, बिल्कुल भी शैटर नहीं हुई, गिरी नहीं है बिल्कुल भी, और इसके अंदर भी ग्रोथ हो रही है। ये मैंने जेड प्लांट की कटिंग लगाई, जेड प्लांट तो बहुत आसानी से चलता है, वो तो हफ्ते में ही अपना जो लीव्स है वो न्यू लीव्स पैटर्न निकालने लगता है, बहुत जल्दी से ग्रो होता है। ये मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग लगाई थी, मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर करी थी कि सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग आप कैसे लगाएं, उसी की दूसरी कटिंग मैंने ये मिट्टी में लगा दी थी। देखिए, इसके अंदर से दूसरी नई लीव्स भी निकल कर आ रही है, अंदर से दिख रही है। यहाँ मैंने ये ड्रेसिना की कटिंग लगाई है, इसको मेरे कटिंग को लगाए हुए हो गए हफ्ता हो गया, लेकिन ये मेरी कटिंग देखो अभी भी सूखी नहीं है। अगर ये मेरी कटिंग नहीं चलती, अगर रूट्स इसमें डेवलप नहीं होती थोड़ी भी, तो ये क्या है, ये ख़राब होने लगती, लीव्स इसकी शैटर हो जाती, गिर जाती। लेकिन इसमें ये नई जो ये फोल्ड होकर आ रही है, ये अनबाउंड होने वाली है, खुलने वाली है, इसमें से ये एक छोटी सी लीव भी निकल कर आ रही है। ये भी मैंने एक कटिंग लगा रखी है, ये भी मैंने कटिंग लगा रखी है, लेकिन इसकी जितनी भी लीव्स थी वो सारी झड़ गई। बट जो ये स्टेम है, ये स्टेम अभी भी हरी है, तो ये स्टेम अभी भी हरी है, इसका मतलब इसमें मे बी डेवलप हो सकती है, लीव्स निकल सकती हैं। तो अभी मैंने इसको अनटच, इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। और भी मैं आपको अपनी और भी प्लांट्स दिखाती हूँ जो मैंने इस मानसून में कटिंग से लगाए और वो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये मेरी कुछ पॉटलुकास हैं, पर्सलेन है, जो मैं कटिंग से लाई थी। देखिए कितनी अच्छी ग्रो करी है, और मैं लिटरली बताऊँ, मैं इतनी छोटी छोटी सी तोड़ कर लाई थी कहीं से। ये मेरी वाइट पॉटलिका है, जिसका अभी फ्लावर मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है। ये येलो कलर की पॉटलिका होगी, इसमें से अभी कली निकल रही है, देखिए इसमें आ रही हैं, बर्ड्स आ रही हैं,
ये वाली पोर्टुलिका ये मेरी बेबी पिंक कलर की है, और ये पर्ट्स लेने एक येलो कलर की एक ऑरेंज कलर की है। ये देखिए, ये मैं कटिंग से लाई थी छोटी छोटी सी, और देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। ये मेरी स्वीट पोटैटो वाइन है जिसको मैंने कटिंग से लगाया है। ये मेरी सिंगोनियम है जिसको मैंने देखो कटिंग से लगाया था। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। सिंगोनियम भी इस टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो करती है क्योंकि सिंगोनियम का टाइम है ये ग्रो करने का। ये देखिए ये मेरी कितनी अच्छे से ग्रो कर रही है, कितनी अच्छी हरी भरी भर गई है पूरी। और ये देखिए मेरी ये जो है ये है वेंडरिंग जॉ, ये भी मैंने कटिंग से लगाया। मैं एक बहुत लंबी सी तोड़ के लाई थी और आधी आधी मैंने इसको तोड़ दिया था, तीन में डिवाइड कर दिया। ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, देखिए इसमें नई लीव्स भी फॉर्म्ड हो रही हैं। ये रही, इसमें से निकल कर आ रही है। और ये मैंने छोटा सा पॉट में लगा रखा है, कितनी अच्छे से ये ग्रो कर रही है। अरे देखिए मैंने छोटे से डब्बे में ना टर्टल वाइन लगा रखी है, मेरी बहुत सारी टर्टल वाइन हो रही है। ये छोटे से डब्बे में ना टर्टल वाइन लगा रखी है, और ये भी कितने अच्छे से ग्रो कर गई। बहुत छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाई थी इसकी, और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर गई है। कहीं भी मेरी टर्टल वाइन टूट जाती है उसी को मैं लगा देती हूँ कहीं पर भी, और ये भी कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। देखिए इतने छोटे से डब्बे में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो मॉनसून में आप जो भी कटिंग्स लगाएंगे इस टाइम पर, जो प्लांट्स कटिंग से हो सकते हैं वो बहुत आराम से ग्रो करेंगे। तो आप भी कटिंग से इसको लगा सकते हैं। जो प्लांट्स मैंने दिखाए हैं, जिनकी कटिंग्स मेरी सक्सेसफुल हुई हैं, वो कटिंग्स मैंने आपको दिखाई हैं। देखिए मेरी कितनी अच्छे से ये सक्सेसफुल हुई है, सारी कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो करी है। तो यहाँ पर मैंने पोर्टुलिका भी ये कटिंग से लगा रखी है, जो अपनी नॉर्मल पोर्टुलिका है। तो आप भी इन प्लांट्स को कटिंग से लगा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए प्लांट के साथ। तब तक बने रहिए आप मेरे चैनल हमारा बगीचा पे। बाय बाय।